फोर्स की रिवीजन के अंदर सबसे पहले जब हम प्लस वन में एंटर करते हैं तो ये कहा जाता है कि अभी फिजिक्स स्टार्ट होनी है, 2 महीने तक ऐसा बोला जाता है, और फिर फोर्स से बोला जाता है कि स्टार्ट हो रही है। उससे पहले कई टॉपिक ऐसे भी थे जिसमें मैं बोलता था कैलकुलस कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब बड़े हैरान हुए, अच्छा यार 15 दिन कैलकुलस करवा दिया, फिर कहते कुछ आता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमने एरर्स किया, सुना एरर्स कट गया सिलेबस से, कई स्कूल्स में नहीं आ रहा, पर फिर भी हमने हफ्ता लगा के एरर्स किया। क्यों किया? कॉम्पिटिशन में आता है। हमने यूनिट्स किए, 10 दिन तो यूनिट्स में लगे कम से कम करने में, ठीक। फिर हमने वेक्टर्स किया, आपने कहा वेक्टर कितना महंगा, 3 नंबर का आएगा फाइनल में, बस इतना ही आएगा, देखना पहले 2 नंबर का और लगा लो, न्यूमेरिकली एक आध और आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा यार वेक्टर्स। प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन आना है। इस पूरे प्रोसेस में 1 महीने से दो महीने कम से कम 2-2.5 महीने निकल गए थे अगर आपको याद होगा। तो वो बेसिकली उसको ना तेज करवाया नहीं जा सकता, बेस बिल्डिंग है। हालांकि बहुत सारा कोर्स असली तैयारी फोर्स के बाद ही स्टार्ट होती है, और सेकेंड वॉल्यूम तो भर भर के आता है कॉम्पिटिशन्स में, भर भर के। तो अगर आप पुराने पेपर देखेंगे, खोलेंगे, चाहे नीट चाहे मेन चाहे एडवांस कुछ भी देखें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई पार्शियलिटी नहीं है कि मैकेनिक ज़्यादा आ गई और पुराना SHM कम, ऐसा नहीं होता। वहाँ एक फिक्स फॉर्मेट है, नॉर्मली वही टेंडेंसी फॉलो की जाती है। बट समस्या देखो क्या है कि ध्यान आगे प्लीज, आप इस ट्रेंड को समझें। तो क्यों समझा रहा हूँ आपको ना, थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि प्लान ऑफ एक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बहुत आराम आराम से मैकेनिक्स करते जाएं, देखो समझ आती है। बहुत लोग कहते थे कि सर आप लिख दो, बहुत लोग कहते थे कि आप इसके अंदर स्लो करा दो, स्पीड की भी बड़ी दिक्कत आती थी कईयों को शुरू शुरू में, छोटे थे ना, 10th क्लास से प्लस वन में थोड़ा टाइम लगता है उनको, मैं थोड़ा अजीब भी लगता था कि यार इतनी तेज तेज ऐसे थोड़ा ना होता है यार, आराम आराम से 10 में मेडिकल कराओ, 5 आग कहाँ लगी है बताओ, लगी हुई है ना। क्योंकि अगर वहां पर टाइम स्पेंड कर दिया और अक्टूबर नवंबर ले आए तो भाई सेकेंड वॉल्यूम तो समझो उड़ गया, और अगर सेकेंड वॉल्यूम उड़ गया ना तो तुम्हारे साथ मैं भी उड़ गया। क्योंकि मैकेनिक्स तो कैसे तैसे करके स्टूडेंट कर भी लेगा, फोर्स की प्रॉब्लम उसको समझने में दिक्कत नहीं आती प्लस टू में। जब आप रिवाइज करोगे ना प्लस वन, आपको वॉल्यूम वन रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि इतना काम करने के बाद बेसिक्स मैथ्स, स्पेशली मेंस वालों को मैथ्स के साथ वो बहुत सही तरीके से इंटीग्रेशन सीख लेते हैं और चीज़ों को बहुत क्लियर देख पाते हैं। प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम टू में, ट्रांसफर ऑफ हीट तो याद ही नहीं किसी को क्या हुआ था, और पेपर में आना है ट्रांसफर ऑफ हीट पक्का, नीट और में दोनों में आना है, थर्मो में क्वेश्चन आना है, तो वॉल्यूम टू इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने ही है, मतलब इतनी स्पीड पे करने के बाद भी मैं जनवरी में जाके लैंड हुआ हूँ, और अगर कहीं मैं ये लिखवाने को बोलता तो अगले साल ही खत्म होना था कोर्स, अगर सही कोर्स करना है। हाँ टाइम पास करना है, मतलब टाइम पास इसे बोलते हैं कि ठीक है स्कूल लेवल काम करना है, 10 न्यूमेरिकल कर लिए, रेड ग्रीन पेंसिल लिख लिया, बहुत बढ़िया है, अच्छी आपको अच्छा लगेगा, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसे पढ़ा सकता हूँ, इतना तो मैं भी पागल नहीं हूँ, इतना तो मैं भी इतने सालों में इतना तो मेरे को समझ में आता है कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कितना आसान तरीका है। आप कॉपी करते हैं, आप रेड और ग्रीन और ब्लू पेन खोलें, जो मैं लिखूंगा पीछे पीछे लिखें, फिर लिखने के बाद आपको हो गए नोट्स, प्लस न्यूमेरिकल की शीट आएगी, आप प्लीज़ करके दिखाएं पहला न्यूमेरिकल, मैं चेक करता हूँ, आप देखो परफॉर्मेंस का जबरदस्त है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब आप बाहर उतरे निकलेंगे इस दुनिया से, और जब आपको कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करियो, उसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं, वहां पर आप मरेंगे ही मरेंगे, आपको आइडिया ही नहीं है कि इस दुनिया में ये भी कुछ था जो आपसे मिस हो गया, और मेरे से भी मिस हो गया, मैं कैसे कवर करूंगा उस चीज को। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या अप्रोच है, इसलिए मैं अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता। बहुत लोगों की के बाद भी, क्योंकि एंड रिजल्ट जो होगा ना प्लस टू के बाद, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका 99+ टपना ही टपना है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार जो पढ़ लिया, जो ठीक तरह पढ़ लिया, कि मेंस और नीट में ना क्वेश्चन अजीब से आए और सर ने करवाई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तुमसे ना हो मैं कह नहीं सकता, तुम वहां ना कर पाओ देखो मुझे पता नहीं, तुम भूल गए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक, मैं भी 9 किताबें हैं, मेरे को पूछोगे यार 9 किताबें का टेस्ट सर आप दे लोगे, मैं एक दिन दे दे भाई पढ़ के आऊंगा, तो इतना कंटेंट है, 5 किताबें और हैं प्लस टू की ऐसी, तो सोचे यार अगर 5 किताबें और हैं तो इतना रिटेन करना इजी नहीं होता कुछ भी। तो मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ
आपको ना क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक। आप ब्लाइंडली ना चलें। और मेरे कोर्स का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि मैंने सही करवाया गलत करवाया, इसलिए मैं आपको लेटेस्ट पेपर की बुक अपने हाथ में लेके देता हूँ नीट और मेंस वालों को, उनके मन में ना वहम ना रहे कि पता नहीं यार कैसा कोर्स हो गया, पता नहीं ये सही में हमने सही कोर्स किया भी कि नहीं, पता नहीं कंटेंट बहुत बड़ा है भाई, कुछ जैसे मर्जी करवा दे क्या फर्क पड़ता है, छोटा करवाए, कम करवाए, ज्यादा करवाए, कैसा भी करवाए, कम से कम लाइव पेपर आपको दिखाते हैं कि जो हमने किया वो सही किया है। और यही मोटिवेशन है और तो कुछ नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब हमने फोर्स स्टार्ट किया था हमने 1 महीना लगाया था फोर्स फ्रिक्शन पे, क्योंकि फोर्स ना फंडामेंटल चैप्टर है और पूरी +2 और +1 फोर्स और वेक्टर के ऊपर टिकी हुई है। आप ग्रेविटेशन तक जाएंगे, मैं कहता हूँ फोर्स ही फोर्स और वेक्टर ही है। जिसको फोर्स और वेक्टर आ गया और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स आ गया, देखो उसकी फिजिक्स तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही बन गई। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड वेक्टर ही तो, और कुछ है नहीं उसमें। आप रोटेशनल मोशन उठा लें, टॉर्क भी कैलकुलेट किया F×R, कॉम्पोनेंट्स लिए फोर्सेज के, तो इसलिए समय लगता है। पर आज अगर आप मुझे ये कहते हैं सर NCERT करवा दो, 30 मिनट्स लगेंगे टोटल घड़ी देख के बस, इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन, इतना ही है NCERT में। और आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं क्योंकि आप स्कूल में इसी चैप्टर को तो बार बार रट रट के गए हैं छुट्टियां मार मार के, यही तो वो चैप्टर है, हमारे स्कूल के पेपर चल रहे हैं, क्या आ रहा है फोर्स, आपको मालूम है लेवल क्या आता है स्कूल का, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फोर्स के चैप्टर से।